जानते हो योगी जी को? यहाँ कौन है? सीएम है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, तो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? कानून व्यवस्था सुधार दी पहले से, वही बहुत है। किसने बताई ये बातें? न्यूज पे देखी है। और क्या? अच्छा हाँ। और अखिलेश यादव थे जो, वो उनमें तो कुछ सही था ही नहीं, अब हुआ है जो हुआ है। अच्छा हाँ। ये बातें बताता कौन है? न्यूज पे देखी। और क्या, मैंने खुद देखा क्या करा उसने और क्या करा उसने। अच्छा। दोनों का देखा है। दोनों का देखा है। हाँ। योगी जी को बढ़िया मान रहे हैं। हाँ। लोग कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बनना ही चाहिए, पूरा देश सुधर जाएगा। तो जय श्री राम। तो भाई साहब, आप लोगों ने कल वीडियो देखी थी कि पाकिस्तानी जो छोटे बच्चे हैं भाई, मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई जो अभी बीज बोया गया है फल किस चीज का आने वाला है, तो ये भारत के बच्चे हैं, इनको कितनी समझ है। और अतीत अहमद जो अभी भाई फिलहाल खत्म हो चुका है पाप धरती से, तो उसके बारे में हमारे भारतीय बच्चे क्या समझ रखते हैं? आप लोग कह रहे हैं उनका सर्वे वीडियो सुधर जाएगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी दुनिया, वो मतलब इंडिया में। देश तो मोदी जी सुधार रहे हैं इस समय। अभी अगर वो बन गए तो फिर तो कोई गुंडागर्दी होगी ही नहीं। अच्छा, अगर योगी जी बन गए तो सब खत्म हो जाएगा? सब खत्म, उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो ही रहा है। विपक्ष तो कहता है कि भाई गुंडागर्दी बढ़ रही है। अब हुआ है सही, वो तो कहेंगे ही, उन्हें उनको तो मौका मिलना चाहिए बस बोलने का। मौका मिलना चाहिए उनको। मौका मिला, उन्होंने बोला। अतीत की हत्या हो गई, देखा होगा वो भी न्यूज में। हाँ। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी बढ़ गई भाई यूपी में। तो गुंडागर्दी बढ़ी नहीं, कम हुई है अब तो। कम हुई है? तब थी बड़ी हुई तो, जब वो थे। अच्छा, तो घूमते हुए डर तो नहीं लगता तुमको? नहीं भाई, बिल्कुल डर नहीं है। किस बात का डर? कि भाई कोई किडनैप ना कर ले, कोई छेड़ ना ले। यहाँ कहाँ किडनैप होगा, उत्तर प्रदेश में कोई किडनैप नहीं होगा। अच्छा, इतना भरोसा है बाबा पे? हाँ, सबको भरोसा है, पूछ के देख लो सबसे। अच्छा। सब बेटा, बहुत बढ़िया। आपको भी भरोसा है? बिल्कुल बाबा भी भरोसा है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, बिगड़ गई है? पूरा सुधार है भाई, गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो रहा है, इससे बड़ा सुधार हो क्या होगा? अखिलेश जी तो कह रहे गुंडा राज आ गया। कौन अखिलेश से बड़ा गुंडा है कौन? बहुत बड़ी देखी है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दीपेश मिश्रा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। तो क्या लग रहा है योगी जी की कानून व्यवस्था सही है? एक नंबर है जी, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। ऐसे ऐसे क्या, इनने इतने बढ़िया बढ़िया काम करे, इनने इतने अच्छे अच्छे काम करे। विकास, वो कौन था विकास दुबे, उसे उसकी गाड़ी पलटवाई, इनने इनकी साजिश थी, इनको मानना था। अब देख लो कोई गुंडा कोई भी, अब वो चक्रा सब आती है अहमद को, जब से इनकाउंटर हुआ उसका सब शांत बैठ गए। अखिलेश यादव तो कह रहे कि गुंडा राज बढ़ गया दोबारा, गुंडा राज बढ़ गया, तुम्हारी ऐसी हो रही है इसलिए तुम्हारा गुंडा राज बढ़ गया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। योगी जी का काम अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, एक नंबर। अखिलेश का अच्छा नहीं था? बिल्कुल बेकार है। बेकार है? बिल्कुल बेकार। क्या बेकार था? उनने क्या क्या कराई, क्या है? हाँ। अपने में पैसा लगाया जी बस। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने सब लगा दिया, योगी जी ने इतनी व्यवस्था सुधार दी। और क्या चाहिए, प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे, और बनेंगे, जरूर बनेंगे। थोड़ा न्यूज व्यूज ज्यादा देखते हो तो मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल देखते हैं जी, बहुत बढ़िया। योगी जी आएंगे, योगी जी आज अमित शाह, पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। एक बार योगी जी को प्रधानमंत्री तो बनने दो, फिर तो जाएगा क्या बदल जाएगा? पूरा बदल जाएगा। अभी जितने भी है ना, अभी थोड़े लोग जो दंग फसाद कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ये सब दबक के बैठ जाएंगे, पता भी ना चले कहाँ गए। जय श्री राम। अखिलेश को क्यों नहीं चाहते? अखिलेश यादव को नहीं चाहते, उसने कराई क्या है? गुंडों का साथ दिया, अतीक अहमद के घर जाता था मिलने। अच्छा। कभी भी अतीक अहमद उसके घर नहीं जाता था, वो उसके घर जाने जाता था। अतीक अहमद उसको सपोर्ट करता था फुल। कोई बात है ये? वो गुंडों से सहायता लेता है, कौन सा ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री बनेगा? जानकारी कहाँ से आई? नेता बनोगे? बिल्कुल बनेंगे नेता, नेता बनोगे? बिल्कुल बनेंगे नेता, योगी जी जैसे बनेंगे, योगी जी जैसे पूरे देश की बदल देंगे व्यवस्था। सही बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। शाम को 7 बजे में फेस टू नोएडा से निकलने में अखिलेश यादव की सरकार में पेमेंट लेकर आदमी घर नहीं चाहता था, रात में सो जाता था वहाँ। आज 2 बजे रात में पैसे लेके चलता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल जाए। सुनिए सुनिए, इस बार जो अतीक की हत्या हुई उन लोगों ने भी जय श्री राम बोला, वो कह रहे कि जय श्री राम बोलने की क्या जरूरत? फंसाने की साजिश थी वो, तो उसको बदनाम करने के लिए साजिश थी वो, तो कलावा पहन के भी वो आया था, क्या नाम है, कसाब आया था कलावा पहन के, इसका क्या मतलब है? वो तो फंसाने की साजिश थी वो, तो सही काम कर रहे, जैसा कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो हम सही कर रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं, मिल रहे। अब तो जेल से निकलने में कैदी कहते हैं, मैं मेडिकल ना कराऊंगा। अच्छा। हाँ जी, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। जितने लोग मानते हैं कि योगी जी सही काम कर रहे हैं, सभी मानते हैं। जेल से निकलने में जितने कैदी हैं कर रहे हैं, मैं अब स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आज 3 दिन 4-15 तारीख के बाद सारे को बवासीर भी अब ठीक हो गया जो जेल में थे।
हाँ जी, जेल में जितने थे सबका ठीक है, अब कोई तबीयत खराब नहीं है सबकी। डर तो नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, एक नंबर का शासन है। गुंडा राज आ गया, गुंडा राज नहीं है, सब अच्छा है। आपका नाम भाई साहब? अजय पाल सिंह। अजय पाल जी, क्या कहेंगे, क्या डर का माहौल दोबारा लौटा है यूपी में? ना ना, कोई डर नहीं है, सब शांत से रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। गरीब आदमी का जीवन यापन सही हो रहा, पहले तो मालदारों का ही होता था, लेकिन अब गरीब से गरीब लोग भी अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। कोई माफिया किसी का कब्जा, घर कब्जा या जमीन कब्जा नहीं कर पा रहा है, सब एकदम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी ही चलती रहे उत्तर प्रदेश में। हमें योगी जी का मैटर हो गया, कानून व्यवस्था में सवाल उठने लगे कि इतनी सुरक्षा दी गई थी उसके बावजूद भी बहुत बड़ा फेलियर हो गया है। ये तो पहले भी तो हुआ था इसमें, ये तो अतीक का मर्डर तो होना, जब जिस आदमी ने 120 मर्डर पहले ही कर दिए तो अब हो गया, उसका क्या दिक्कत आई? ऐसे माफिया तो मरने भी चाहिए। आप सही मानते हैं सरकार सही चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पहली सरकार में बदलाव क्या देखने को मिला आपको? कानून व्यवस्था का बदलाव मिला है, आम जनता हमारे घर की बहन बेटी अच्छे से रह रही है और सुरक्षित है और किसी पे कोई कब्जा नहीं हो रहा, मकान पे जमीन पे अच्छे से लोग जीवन यापन कर पा रहे हैं। पहले क्या था? पहले तो लूट पटेट होती थी, 7 बजे के बाद में लोग लूटने के लिए तैयार हो जाते, छीना झपटी होती थी, आज कोई नहीं कर रहा उस चीज को। क्या कहेंगे भाई साहब, डर का माहौल तो नहीं? डर तो नहीं लग रहा है खड़े हुए? मुलायम और लालू बिहार में 15-20 दिन पहले आपको न्यूज मिल चुकी है, अब क्या बात करना है? जैसे भाजपा से हटा कि उसकी स्थिति खराब हो गई। नहीं, यूपी में क्या हो रहा है? जैसे एकदम स्वच्छ है, अतीक के तभी सवाल उठने लगे कि भाई लोग डरने लगे हैं यूपी में निकलते हुए भी। जो करेगा वैसा पाएगा, जो करेगा वैसा पाएगा। क्या लग रहा है भाई साहब, डर लगता है निकलते हुए? कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं लगता। सवाल तो उठ रहे कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, एक नंबर का कानून है, ऐसी बनती रहे, ऐसे चलती रहे, 50 साल तक चलती रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे 6 साल पहले बाबा के सरकार के पहले इस रोड पे जितने पटरी लगाते थे सबसे 10-10, 20-20 रुपए वसूला जाता था। आज 6 साल में पैसे जोड़ ले कि लाखों रुपए उन गरीबों को बच गया जो 10-10 रुपए 20-20 रुपए डेली देते थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आके वहाँ 10 रुपए 20 रुपए मांग लेता था। माफियाओं लेते थे, गुंडे लेते थे, जो कि इनके क्या कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार का गुंडे सब लेते थे और रेडी वाले भी नहीं बचते थे। सारे रेडी वाले से पूछ लीजिए, बदलाव देख रहे हैं। हाँ जी, एकदम बदलाव है, बदलाव ही बदलाव है। कुछ लोग योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी करने लगे। ओ सरकार, जैसे ही कहा सरकार में फेलोर है उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। डर लग रहा है यूपी में? ना ना, सुरक्षित है, काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे। हाँ जी, विपक्ष को कह रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो रहे। कोई गुंडा नहीं, तंग करते थे 10 बजे रात को, मोबाइल छीन लेते थे, आज से साथ आते थे ड्यूटी करके, फेस टू नगला बाउंड्री 20-22 साल तो हमें यहाँ हो गया। मोबाइल चाकू दिखा कर पैसे ले लेते थे, जिसको पेमेंट 7 तारीख 8 तारीख को, बाकी आज कुछ नहीं, 1-1 बजे रात को आते हैं। पुलिस तंग तो नहीं करती? कुछ नहीं, कुछ तंग नहीं, पहले तो था भी नहीं वहाँ। अच्छा, नाले पे ही नाले है वहाँ पैसे चोरोगे भाई साहब? तो भाई वीडियो यहीं तक थी, अभी बात करते हैं, यानी कि भाई सरकार अखिलेश यादव की हो या फिर भाई योगी की हो यूपी के अंदर, यानी कि भाई साहब आप और मैं शुक्र इस चीज का बनाइए कि हमारी जनता जाग गई है। बात पाकिस्तान की हो या भारत की हो, जिस दिन जनता जागी और अपने हकों का हिसाब किताब सरकार से लेने लग गई, उस दिन भाई साहब सरकार अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, यानी कि भाई साहब मैं एक लकड़हारा हूं और मेरे को 6 घंटे दिए जाते हैं एक पेड़ काटने के, 4 घंटे में धार लगाऊंगा, उसके बाद मैं पेड़ को 1 घंटे में काट दूंगा, 1 घंटा मेरे पास बच जाएगा। वो अगर मैं उस 6 घंटे मिलते तभी लग जाऊंगा भाई साहब, मेरे पास 8-10-12 घंटे में भी पेड़ नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मेरे पास जो हथियार है ना, वो मेरा काम नहीं कर रहा। अब भाई साहब जो जनता है वो ही काम नहीं करेगी, वो अपनी मांग नहीं करेगी, उसको ये नहीं पता लगेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। सरकार तो कैसे भी काम करे भाई साहब, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, अगले इलेक्शन में उसको कोई जवाब देने वाला नहीं, तो फिर तो भाई साहब ऐसा ही होने वाला जैसा पाकिस्तान में हो रहा। आप लोग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में लिखे, जय हिंद जय भारत, जय श्री कृष्ण।